हाय, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाने वाले हैं जिसका नाम है कैबेज रोल इन सेज़वान सूप। तो ये बेसिकली मोमोज़ की तरह है। इसको इसमें हम लोग मोमोज़ में जैसे हम लोग स्टफिंग्स डालते हैं, वेज स्टफिंग्स, तो ये वेज कैबेज रोल है। आप चाहो तो आप चिकन कैबेज रोल भी बना सकते हो। तो ये मोमोज़ की तरह ही है बट काफ़ी ईजी है। उसमें वो जो आटा और मैदा वाला काम ना इसमें नहीं करना है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है क्योंकि स्टफिंग भी वेजिटेबल्स और बाहर का जो लेयर है वो भी वेजिटेबल। तो हमको क्या करना है कि कैबेज के जो ऐसे पत्ते इनको ऐसे अलग अलग कर लेना है। उसके बाद ये जो एक साइड में मोटा वाला पार्ट रहता है उसको हम हटा देंगे। बहुत केयरफुली करना है ताकि कैबेज के पत्ते में होल ना हो, वरना फिर स्टफिंग्स बाहर उससे आ सकते हैं। उसके बाद गर्म पानी में हम सारे लीव्स को ऐसे डाल देंगे और लगभग 10 से 12 मिनट थोड़े लो फ्लेम और थोड़े हाई फ्लेम पे गर्म कर देंगे और फिर निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे, लहसुन, मिर्च, लगभग 8 से 10 लहसुन, 2 मिर्च, एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम, सब कुछ बहुत छोटे छोटे पीसेस में कटे होने चाहिए, बिल्कुल मोमोज के स्टफिंग की तरह। अब इसमें जाएगा प्याज, लगभग 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसमें जाएगा अब पनीर। पनीर को हमने पीसेस में नहीं काटा, उसको हमने इसे क्रश कर दिया है। इसके बाद लास्टली हम डालेंगे कैबेज, जो कि हमारी लीव्स निकालने के बाद जो छोटा वाला कैबेज बच गया था जिसमें से लीव्स अब नहीं निकल पाता, उसका हमने ऐसे छोटे काट के और उसमें उसको स्टफिंग्स में यूज़ करा है। थोड़ा सा नमक और आधा टी स्पून काली मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी को, और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिपेयर करें सूप। तो सूप के लिए हम वेजिटेबल ऑयल, गार्लिक, जिंजर, 2 ग्रीन चिली, आधा कैप्सिकम, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच या 1 चम्मच सेज़वान चटनी, डिपेंड कि आप कितना सूप बनाना चाहते हो। लास्टली हम थोड़ा सा और इसमें कैबेज डाल रहे हैं जो हमने बचा के रखा हुआ था। हल्का हल्का सा मिक्स करेंगे एंड देन इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। एक कैबेज से लगभग 10 से 11 कैबेज रोल्स बनेंगे, तो उसके लिए इतना सूप अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो ठीक है, वरना आप सबका क्वांटिटीज थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। 2 चम्मच सेज़वान चटनी के बदले 4 चम्मच सेज़वान चटनी डाल लो और 2 गिलास पानी डाल लो तो सूप में रेडी है। लास्ट में बस हम 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे ताकि सूप थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाए। अब तक मेरा कैबेज का वो लीव्स और स्टफिंग्स दोनों ठंडा हो चुका होगा, तो अब हम इसमें फिलिंग करना शुरू करेंगे। तो हम इधर इस तरीके से 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग्स हर एक लीफ में डालेंगे और उसको इस तरीके से रैप करेंगे। क्योंकि ये बॉईल करके कैबेज के लीव्स काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसलिए इसमें टूटने का या फिर पत्ते खुल जाने का ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसे बस अच्छे से इसको रैप कर देना है ताकि स्टफिंग्स बाहर किधर से भी ना निकले। और इस तरीके से एक एक करके हमको सारे कैबेज रोल्स बना लेना है। अगर आप कैबेज रोल बनाने के लिए कैबेज खरीदने वाले हो तो ट्राई करना कि थोड़े बड़े साइज़ के कैबेज खरीदो, ताकि उसमें जो लीव्स हो वो बड़े बड़े साइज़ के हो, ताकि रोल्स अच्छे से बन पाए। क्योंकि छोटे लीव्स में रोल्स को फिर लास्टली फोल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। मेरे रोल्स बन के सारे रेडी है। अब हम इस वाले प्लेट में को ग्रीस कर देंगे ऑयल से। आप इडली मेकर में भी बना सकते हो बट हम इसमें बना रहे हैं, और सारे रोल्स को भी थोड़ा थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद हम एक बड़े से बर्तन में पानी डालेंगे, उसको हल्का सा गर्म होने देंगे एंड इस तरीके से इस प्लेट को हम उस बर्तन के ऊपर रख देंगे। ये सारा प्रोसीजर बिल्कुल हमको मोमोज की तरह ही फॉलो करना है। जैसे मोमोज को स्टीम करते हैं वैसे इस कैबेज रोल को भी स्टीम करना है। तो लगभग हम लोग इसको 10 से 15 मिनट लो फ्लेम और हाई फ्लेम पर स्टीम होने देंगे एंड यहाँ पे मेरा सूप बन के भी रेडी है और मोमोज बन के भी रेडी है, यानी कि कैबेज रोल। आप चाहो तो आप ड्राई भी खा सकते हो या फिर आप चाहो तो सूप के अंदर भी डिप कर सकते हो। जिसको मैंने सूप के अंदर डिप करा उसमें मैंने टूथपिक लगा दिए ताकि वो खुले ना। आप इसको चटनी के साथ, मोमोज की चटनी के साथ, किसी सॉस के साथ, कुछ के साथ भी खा सकते हो। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।